दोस्तों, गांधी जी को आज़ादी दिलाने और उनके अहिंसावादी सोच के लिए दुनिया भर में एक आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। पर आपको जानकर हैरत होगी कि गांधी जी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा पहलू भी है जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में बखूबी किया गया, लेकिन उसके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता। गांधी जी के जीवन का ये पहलू है उनके द्वारा आश्रम में महिलाओं पर किए गए अश्लील प्रयोग। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में उनके एक काले सच के बारे में। गांधी जी ने साल 1906 के दौरान 38 साल की उम्र में एक ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद हर प्रकार के शारीरिक संबंध और काम भावनाओं से दूर एक आध्यात्मिक जीवन का पालन करना होता है। तो ऐसे में गांधी जी को भी यही करना था और अब वो किसी भी महिला से संबंध नहीं बना सकते थे। इन सब के चलते उनके व्यवहार में भारी परिवर्तन आने लगा। वो महिलाओं की मौजूदगी में असहज और अजीब सा महसूस करने लगे थे। अपने व्यवहार में आए इस परिवर्तन को दूर करने के नाम पर गांधी जी ने अपने आश्रम में महिलाओं पर अश्लील प्रयोग करने शुरू कर दिए। वो नग्न महिलाओं से अपने शरीर की मालिश करवाते और उन्हीं के साथ नंगे होकर सोते। आश्रम की महिलाओं में उनकी पौत्र भतीजी मनुबेन भी शामिल थी। इस तरह के प्रयोग से गांधी जी के समर्थकों में आक्रोश और असहमति फैल गई। यहाँ तक कि गांधी जी के सबसे करीबी दोस्त जवाहरलाल नेहरू ने इन प्रयोगों को असहज और असामान्य बताया। ब्रह्मचर्य धारण करने के करीब एक साल बाद गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा कि यहाँ हर नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे। अगर किसी भी कारणवश उसे शादी करनी भी पड़े तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। आगे चलकर गांधी जी ने ऐसे कई आश्रमों की स्थापना की जहाँ वो इस तरह के प्रयोग करने लगे थे। इन आश्रमों में बहुत से नौजवान लड़के लड़कियों को साथ में नंगे होकर नहा और सोने को कहा जाता था, लेकिन किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी करने पर उन्हें सजा दी जाती। आश्रम में पति पत्नी भी एकांत में नहीं रह सकते थे। किसी भी तरह से कामोत्तेजना महसूस होने पर उन्हें ठंडे पानी से नहाने को कहा जाता था। ये सब देखकर गांधी जी के सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने उन्हें समझाया कि जब तक जनता की इस नई विचारधारा को ठीक से समझ नहीं लेती, तब तक आपको अपने पौत्र भतीजी मनुबेन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए, वरना जनता को गलत समझ आएगा। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के मुंह पर कह डाला कि आप जो भी कर रहे हैं वो पाप है, अधर्म है। इसके जवाब में गांधी जी ने कहा, मनु के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों, गांधी जी के इन प्रयोगों को अगर किसी ने सबसे करीब से देखा तो वो शख्स था RP परशुराम। RP परशुराम केरला के एक स्टूडेंट थे जिसने 2 साल तक टाइपिस्ट और गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आश्रम में काम किया। परशुराम उस दौर में उन हजारों युवाओं में से एक थे जो गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। गांधी जी के इसी सम्मान के प्रति वो आश्रम में काम करने आया था और सिर्फ 2 साल में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ते वक्त उसने खत में गांधी जी के व्यवहार और आश्रम में हो रहे अश्लील प्रयोग से हो रही परेशानियों के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा, आप हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं आपके कार्य से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार टाइपराइटर के तौर पर आश्रम में आया तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम वासियों के लिए बेहद सम्मान था, पर आश्रम में पहले 24 घंटे बिताने के बाद ही मैंने आपके प्रति सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि आप इन युवाओं को अपने इस तरह के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना ये कि उनको कैसा महसूस होता होगा। दोस्तों, हम भारत के लोग अपने महान लोगों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। हमेशा सोचते हैं कि उन जैसा कोई सुपरमैन है, जबकि वास्तविकता यही है कि वो भी हमारी तरह मनुष्य होते हैं और हम इस बात को समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको गांधी जी के इस घिनौने सच के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या उन्हें महिलाओं के प्रति इस तरह का व्यवहार करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।